नमस्कार भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो आप ये सोच होंगे कि मैं ये मास्क क्यों पहन रहा हूँ। मैं ये मास्क इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि कोरोना की दूसरी वेरिएंट आ चुकी है। हाँ जी हाँ, आपने नहीं सुना, कोरोना की दूसरी वेरिएंट आ चुकी है और वो बहुत 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 स्ट्रांग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में कितने अमाउंट ऑफ केसेस है कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस की। जी हाँ, मैंने ये गूगल को खोल कर रखा है, मैंने गूगल खोल के रखा है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये नीचे नहीं, एक मिनट। हाँ तो ये मैंने गूगल खोल के रखा है और जैसे ही मैं नीचे करता हूँ, नीचे 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 नीचे, ये केसेस फ्रॉम JHUSCEE COVID-19 डाटा, ये डाटा है डाटा, ठीक है। तो लास्ट अपडेट 2 डेज अगो, 2 दिन पहले की है, ध्यान से सुनो, 2 दिन पहले की है। केसेस है 13.9 मिलियन प्लस 184K के रिकवरी है, जो रिकवर्ड हो चुके हैं 12.3 मिलियन प्लस 82.339, 82.339 प्लस रिकवर्ड में भी और ये केसेस में भी। डेथ है, मौतें हैं कोरोना वायरस की वजह से, मौतें हैं 172K। समझ रहे हो, जो ये जो मैं स्ट्रांग स्ट्रांग कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ। अब बात आते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। ये देखिए, ये मैंने COVID-19 वैक्सीन खोल के रखा है और सबसे टॉप में आपको इंडिया दिख रहा है, सबसे टॉप में। अब इंडिया में डोजेस गिवन है 109 मिलियन डोज, ठीक है। फुल वैक्सीनेटेड है 13.5 मिलियन। ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इंडिया में डोजेस गिवन है 109 मिलियन, ठीक है। और फुल वैक्सीनेटेड है मतलब जिसको वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो 13.5 मिलियन, जिसमें से आप भी आते हो, कोई और भी आता है, आपके मॉम डैड भी आते हैं, अंकल आंटी भी आते हैं। और परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड 0.1। तो भाइयों, अगर आप सोच रहे हो कि मास्क पहनने के बाद आपका जो फेस का जो लुक है वो खराब हो जाएगा, आपके फेस में लाइन आ जाएगी ड्यू टू दिस N95 मास्क, बल्कि आप गलत हो। और इसलिए क्योंकि ये N95 मास्क मैंने पहना कहा नहीं, ये N95 मास्क मैंने पहना, ये N95 मास्क है। और भगवान की बदौलत मेरे को इतना चेहरा, इतना बढ़िया चेहरा दिखा है, मिला है। ये मेरे को, ये जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे चेहरे पे एक भी लाइन नहीं है, एक भी लाइन नहीं है। तो यार मास्क पहनो, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनो, अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहनो, दूसरों की सेफ्टी के लिए मास्क पहनो, और जो सामने वाला है उनकी सेफ्टी के लिए मास्क पहनो। और अगर आपको मुंह दिखाई देनी है 2000 की, तब मत मास्क पहनो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको मुंह दिखाई देनी है 2000 की, अगर आपको मामो पुलिस वालों को देनी है मुंह दिखाई 2000 की, तो आपको मास्क नहीं पहनना। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली NCR में ये रूल है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना और घर से बाहर निकल गए पब्लिक प्लेस में, तो आपको पुलिस वालों को 2000 रुपये देना है विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी। तो यार मास्क पहनो, और कौन सा मास्क पहनो, ये वाला N95 वाला, क्योंकि
N95 मार्क जो है वो ठीक है, उससे आपकी सांस से बाहर क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ उससे आपका आवाज़ से बाहर आएगी, लेकिन जो आपकी जो सांस है, जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ सांस ले रहा हूँ, तो ये देखिए क्या हुआ, तो सांस तो बाहर नहीं आ रही, ठीक है सांस तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे मार्क्स में क्या होता है कि सांस आपकी बाहर आती है, और अगर आपने चश्मा पहना है, कोई ब्रांडेड चश्मा पहना है, तो आपके सांस यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और एक बात बता दूँ, अगर आपने मास्क नहीं पहना आपके ऊपर है, मास्क पहना तो भी आपके ऊपर है, क्योंकि सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी माई फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल जब लॉकडाउन 2 शुरू हुआ था, जब आदरणीय मोदी ने कहा था कि आप घूम फिर सकते हो, तो मैं साइबर हब गया था, घर के पीछे मतलब घर के पास है सॉरी, तो साइबर हब गया था, तो वहाँ पे एक गाड़ी तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते हैं, और चलो वहाँ पे एक बीप की बीप आया, उसने सिर्फ सिक्योरिटी को पास करने के लिए मास्क पहना, ऐसे सिक्योरिटी को पास करने के लिए मास्क पहना, और जैसे ही वो सिक्योरिटी से एग्जिट किया, सिक्योरिटी करा ली उसने, तो मास्क उतार के अपने पॉकेट में रख लिया, और उसकी बियर्ड तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि नेक्स्ट लेवल, मतलब वो बंदा अपनी बियर्ड ऐसे जैसे वो कहीं का राजा है, ऐसे 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 सेट कर रहा है, और उस बीप की बीप ने चश्मा पहना हुआ था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और N95 मास्क भी पहना हुआ था, लेकिन उसके ये हीरोपंती के चक्कर में वो अभी हॉस्पिटलाइज होगा कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटलाइज हो, मैं भाई किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन यार देखो ये मार्क्स आपका क्या क्या कर सकते हैं, ये मार्क्स ट्रेंड लाए किसने, हम जैसों ने, ठीक है ये मार्क्स किसके काबू में है, हमारे काबू में है, तो ये मार्क्स पहनो, मास्क पहनो, अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनो, जब फोटो खिंचवानी हो, जैसे यार दोस्त के साथ हो, खाने पीने गए हो, तो मास्क उतार के ये फोन है फोन के ऊपर रख दो, और फिर 15-20 मिनट के लिए जब तक आप रेस्टोरेंट में हो, तो मास्क उतार के बैठो, जैसे ही आप रेस्टोरेंट से निकलो, लो फर्स्ट थिंग बाथरूम जाओ, हाथ धो, हाथ धोने के बाद ये मास्क लाना, ऐसे ये नमस्ते।